हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहमद एंड सुनारा मूवमेंट्स। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लॉकडाउन पर। तो चलकर देखते हैं कि लॉकडाउन है या नहीं है रियलिटी में, स्पेशली इन कराची। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रोड पर कितना ट्रैफिक मौजूद है, गाड़ियों का आना जाना, शोर शराबा और पेट्रोल पंप पे भी जो है वो कितना ट्रैफिक मौजूद है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर पुलिस और रेंजर्स के चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, और इसको आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये चेक पॉइंट्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो बेफजूल बाहर ना निकलें, और लोग जो रेंजर्स और पुलिस हैं वो लोगों को रोकें। तो दोस्तों, आप रोड की तो सूरत हाल देख चुके हैं, मगर अब मैं आपको जहाँ लेकर जा रही हूँ, आप वहाँ की सूरत हाल भी देखें कि मार्केट की सूरत हाल क्या है, मार्केट में लोगों का कितना रश है और दुकानों की क्या सूरत हाल है। चलें, आए देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुर्गी वाले, गोश्त वाले और ये जितने भी छोटे छोटे फ्रूट्स के ठेले हैं, सब्ज़ी वाले जो हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे कि सब खुले हुए हैं ताकि लोग जो हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया ले सकें और इस्तेमाल कर सकें। अब हम यहाँ पर थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, लोग जो हैं वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ये ठेले वाले यहाँ पे आपको बहुत नज़र आ रहे होंगे मार्केट्स के अंदर, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो है वो लॉकडाउन की जो टाइमिंग दी गई है वो 5 बजे तक है, कि 5 बजे के बाद जो है वो सारी जनरल स्टोर्स और ये सब कुछ बंद हो जाएंगे। तो ये 4 और 5 के बीच का जो टाइम है उसमें जो है वो लोगों का बहुत ही रश बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे रोज़ा खुलने वाला हो और दुकानों पे और हर जगह जो है वो लोग जो है वो जमा हो जाते हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी तरफ़ से कि जो है आप जो है वो सुबह या दोपहर में भी जो है वो निकल सकते हैं अपनी ज़रूरत की एशिया लेने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 या 5 के दरमियान ही जो है वो चीज़ें लेने के लिए निकलें, क्योंकि 4 और 5 के दरमियान बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत हजूम देखने को मिलता है जो ख़तरे की घंटी है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप सुबह या दोपहर के औकात में भी घर से बाहर निकल सकते हैं, मगर फैमिली का एक फ़र्द, एक से ज़्यादा फ़र्द ना निकले। और अगर आप घर से बाहर निकलते भी हैं तो सेफ्टी के साथ बाहर निकलें, मुंह पर मास्क लगा कर निकलें। सर्जिकल मास्क बहुत अच्छे होते हैं जो आपको इजीली जो है वो मेडिकल स्टोर या जनरल स्टोर पे भी अभी अवेलेबल हैं, वो आपको वहाँ से भी मिल सकते हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, बी सेफ एंड बी हेल्दी। आपने हमारी वीडियो में देख लिया होगा कि कराची लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है, चेक पॉइंट की क्या सूरत हाल थी, मार्केट की क्या सूरत हाल थी, शॉप्स की क्या सूरत हाल थी और रोड की क्या सूरत हाल थी। और अब आइंदा आप हमारी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।